हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लाजवाब फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आई होप आपकी प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही है। ऑल इज गोइंग वेल, एग्जाम आने वाले हैं। एंड इकोनॉमिक्स में जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल जो पैटर्न है और सिलेबस है दोनों ही चेंज हुए हैं, और उसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें वन मार्कर क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ओके, तो जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं कि टोटल आपके 80 मार्क्स के पेपर के लिए 34 क्वेश्चंस हैं, 17 आपके दोनों सेक्शन में हैं, और दोनों बुक्स में आपका 10 मार्क्स के वन मार्क क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो कहने का मतलब जो इंपॉर्टेंस है वन मार्कर्स की काफी अच्छी हो गई है। इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। 20 मार्क्स के आपके वन मार्कर्स हो गए, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल हो गया, तो बाकी जो श्योरिटी है आपके मार्क्स की वो यहां पर काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? वन मार्कर्स। ओके, आज की क्लास में, आज की क्वेश्चन सीरीज में हम यहां से शुरू करने वाले हैं वन मार्कर, और आज हम नेशनल इनकम जो चैप्टर है हमारा उसके जो छोटे क्वेश्चन है, वन मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उनको लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये सीरीज हमारे यहां से शुरू होगी। हर यूनिट वाइज हम जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज पहला चैप्टर हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज व्हाट? नेशनल इनकम। ओके, सो जो क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके नेशनल इनकम के लिए, वो मैंने लिंक में इस वीडियो के डाले हुए हैं, पीडीएफ फाइल है उसकी, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, और आप उन सभी को, हम उन सब क्वेश्चंस को आज हम यहां पर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप कि आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके पहले उसे डाउनलोड कर लें, ताकि अभी हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारी हेल्प हो जाए। ओके, तो खैर हम शुरू करते हैं, आई होप आप उसको करें। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कंटेंट इज नॉमिनल जीडीपी इज 1500 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, द रियल जीडीपी डैश। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में रियल जीडीपी बताना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में यहाँ पे बोला गया है, और उसका लिंक ऑब्वियसली हमारा प्राइस इंडेक्स के साथ होता है। सो वी ऑलरेडी नो कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 इज इक्वल्स टू हमारा प्राइस इंडेक्स होता है। ओके, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए या उनमें रिलेशन के लिए हम प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं, एंड दैट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स। ओके, अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी 1500, उसके बाद रियल जीडीपी मुझे नहीं पता है दोस्तों, इनटू 100 इज इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स हमारा, हमें 120 दिया गया है। ओके, सो ऑल गोज वेल, यहां पर आपका 1500 आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप 100 को यहां पर ले आए हैं, ये 120 हो गया है। सो दैट इज आपका, सॉरी 100 ये है और ये 120, दैट इज आपका रियल जीडीपी। आप इसको सॉल्व करेंगे, योर आंसर इज फॉर रियल जीडीपी 13025 125 एंड 10। सो 1250 इज आर रियल जीडीपी जो इसमें कैलकुलेट होता है। बिसाइड दैट, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, जब कंट्री के जीडीपी को बेस ईयर प्राइसेस पर निकाला जाता है हम उसको रियल जीडीपी कहते हैं, और जब हम आपके करंट ईयर प्राइसेस के बिहाफ पे निकालते हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो पहला पार्ट हमारा यहां पर आया। सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू जीएनपी एट एफसी, ट्रू या फॉल्स हमें इसमें बताना है। ओके, सो सर ये तो एग्रीगेट सप्लाई है, ये तो आपका नेक्स्ट जो हमने डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है उस चैप्टर की बात करी है, तो ये यहां पर कैसे आ गया? तो दोस्तों ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि आपका जो अलग, आपके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस आपस में लिंकअप नहीं हो सकते। जो एग्जाम पैटर्न है अब काफी हद तक एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दो अलग अलग यूनिट्स, दो अलग अलग चैप्टर्स आपस में कनेक्ट होकर एक क्वेश्चन बनाए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ ए एस इज इक्वल्स टू जी एन पी एट एफ सी, हमें बताना है कि ये सही है या ये गलत है। दोस्तों डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा, उसके बिहाफ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई। ओके, अब वाई मतलब हमारा नेशनल इनकम, वाई क्या होता है? नेशनल इनकम, एंड वी नो नेशनल इनकम इज एन एन पी एट एफ सी, हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए एस इक्वल्स टू जी एन पी एट एफ सी।
तो डेफिनेटली ये हमारा फॉल्स हो जाता है, और यहां पर हम ये मेंशन भी करेंगे बिकॉज AS इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम और दैट इज NNP एट FC. इस चीज को मेंशन करना जरूरी है. ओके तो वैल्यू ऑफ AS इज इक्वल्स टू NNP एट FC, यहां पर GNP एट FC था, ये फॉल्स हुआ. थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू डैश. ओके वैल्यू ऑफ आउटपुट का हमें मालूम है जो इस्तेमाल है वो प्रोडक्शन मेथड में वैल्यू एडेड निकालने के लिए होता है. सो वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. ओके वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अलग से, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक हम ये इस्तेमाल करते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक. सो आर आंसर इज वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, जल्दबाजी में आकर इसमें सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं तो इट लीड्स टू वैल्यू एडेड नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सिर्फ सेल प्लस चेंज इन स्टॉक हमें यह कंसिडर करना है. ओके आगे मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, GVA एट FC प्लस NIT इज इक्वल्स टू डैश ऑफ बेसिक प्राइस, डैश ऑफ बेसिक प्राइस. ये अच्छा क्वेश्चन हमारा आया. अब पहली बात, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज इट फोर्थ, यस फोर्थ. अब यहां पर हमने देखा, नॉर्मली बेसिक प्राइस हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता, तो मैं सिंपली बस आपको बता दूं यहां पे कि इस सिचुएशन में बेसिक प्राइस का मतलब यानी कि मार्केट प्राइस ही है, मार्केट प्राइस ही है. सो ग्रॉस वैल्यू एडिट एट FC में अगर मैं NIT ऐड कर देता हूं तो ऑफ बेसिक प्राइस बनता है, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है. अब दोस्तों यहां पर पहली बात कि मुझे एक चीज तो पहले से ही नेशनल इनकम में ये हमें प्रॉपरली मालूम होनी चाहिए कि ग्रॉस से जब मुझे नेट में कन्वर्ट करना होता है तो मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस करता हूं, राइट. जब मैं डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाता हूं तो मैं उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू ऐड करता हूं. रिवर्स आने के लिए ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ऐड होगा, रिवर्स आने के लिए नफीफा आपका नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड आपका लेस होगा. एंड द लास्ट इज मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करता हूं. सो, जो डेप्रिसिएशन है उसका रिलेशन ग्रॉस और नेट यानी कि जी और एन के साथ होता है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का रिलेशन डोमेस्टिक और नेशनल के साथ होता है, और NIT मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में लिंक क्रिएट करता है. यहां पर NIT है, NIT मतलब आपका मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का रिलेशन. NIT की वजह से आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इसमें चेंजेस आते हैं. दोस्तों बिल्कुल सिंपल, एक पैटर्न तरीका करने का क्या है, मैं उसको बता रहा हूं. ये फैक्टर कॉस्ट है, ये ऑलरेडी बेसिक प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस हो चुका है, इसका मतलब मेन टर्म में और कोई भी चेंज नहीं होगा, मेन टर्म में और कोई भी चेंज नहीं होगा. भाई हमें क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी दे दिया, तो सोचने की जरूरत नहीं है. यहां पे सपोज इस तरीके से दिया होता कि GDP एट MP प्लस आपका NIT इज इक्वल्स टू डैश ऑफ फैक्टर कॉस्ट, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि NIT मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में लिंक क्रिएट करता है, वो ऑलरेडी हमें चेंज करके दिया हुआ है. तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ग्रॉस हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल बनेगा नहीं बनेगा. योर आंसर इज स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, GDP एट FC, ठीक है, GDP ऑफ FC, ठीक है. तो यहां पे हमने ये आपका NIT का कंसेप्ट जो था वो क्लियर करा. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, डैश वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय द वैल्यू एडेड मेथड. ओके हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं, GDP पे MP निकाल रहे हैं, तो उसमें यही वाला फॉर्मूला आपका सेल प्लस चेंज इन स्टॉक आता है. ओके नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि यहां पर ये जो सेल है
इस सेल का क्या क्या मतलब होता है, इस सेल का क्या क्या मतलब होता है। दोस्तों इस सेल में मेनली तीन चीजें हमारी कवर होती हैं। एक तो हमारी डोमेस्टिक सेल्स जो हमने विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी करी है, और एक इंक्लूड होता है एक्सपोर्ट। नॉर्मली ये दो ही होते हैं। तीसरा पॉइंट जो और एड होता है दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। ओके, व्हाट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, होप आपको ये ऑलरेडी पता होगा। मैं इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड करा दूं। एक पर्टिकुलर फार्मर है, फार्मर ने 2000 क्विंटल ऑफ व्हीट या राइस या कोई भी क्रॉप उसने प्रोड्यूस करा, उसने 2000 क्विंटल ऑफ राइस सपोज प्रोड्यूस करा, उसमें से उसने 1500 सेल कर दिया, तो दैट इज सेल, या कुछ बाहर भेजा, दैट इज एक्सपोर्ट, ये एक प्रॉपर सेल हुआ। लेकिन 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 उसमें से 500 क्विंटल ऑफ राइस उसने अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लिया, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दोस्तों, और उसे भी सेल का पार्ट माना जाता है, क्योंकि उस प्रोडक्शन को करने के लिए, उस रिसोर्स को, उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो इकोनॉमी के फैक्टर्स हैं उन सब ने काम करा है और एक वैल्यू जनरेट करी है। अगर फार्मर सीधी सी बात है उनको सारा का सारा बेच देता और अपने कंजम्पशन के लिए दोबारा से मार्केट से खरीदता, तो वो कुछ तरीका समझ नहीं आया कि भाई पहले खुद बेच दो और खुद वापस से खरीदो, ये गलत है। तो उसने लाइक अकाउंटेंसी में जिसको आप ड्राइंग्स कहते हैं, वो अपने कंजम्पशन के लिए उसने रख लिया। ओके, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेल, और वो सेल का पार्ट होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूं अलग तरीके से, तो सर क्या यहां पर अगर हम अपने गार्डन में कुछ सब्जियां उगा लें, कुछ फ्रूट का कोई हमने पेड़ लगाया और उस पर कुछ फ्रूट लग गए, वेजिटेबल लग गई, तो उनकी भी मार्केट वैल्यू होती है, क्या उसको भी नेशनल इनकम में जोड़ना चाहिए? नहीं दोस्तों, वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो हैं, जो लेजर एक्टिविटीज हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, एक फार्मर का वो प्रोफेशन था, उसका वो एक तरह से आप कीजिए, वो अपने आप को उसमें बिजनेस में एंगेज रखता है। तो अगर कोई प्रोफेशनल बिजनेस में अपने आप को एंगेज रखता है और उसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपका जो प्रोफेशन है वो फार्मिंग नहीं है, ठीक है, वो सब आपका काम नहीं था, वो जस्ट आपने से टाइम पास करने के लिए अपनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज में कुछ वेजिटेबल्स लगाई, वो प्रोड्यूस हो गई, दैट इज नॉट योर मेन प्रोफेशन। हाँ, अगर आपका मेन प्रोफेशन वो होता और वहां से वेजिटेबल्स जो आपने प्रोड्यूस करी हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए रख ली, तो हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन होता है। उसको लेकर क्या चर्चा करी गई है कि जब हम उसको सेल में इंक्लूड कर रहे हैं, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जोड़ रहे हैं, तो वो कौन सी वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है? ये अच्छा क्वेश्चन हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन, डैश वैल्यू। अब यहां पर आप कई सारे आंसर्स का लॉजिक लगा सकते हैं और वो लॉजिक डेफिनेटली सही होगा। सबसे पहला वर्ड जो इसमें निकल के आ रहा है, दैट इज फाइनल। दैट इज व्हाट फाइनल, फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। भाई हम जब नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, इससे पहले वाला मेन चैप्टर जो है बेसिक्स का, उसमें हमने प्रॉपरली क्लासिफाई करा है फाइनल गुड्स कौन से हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में जोड़ा गया है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं जोड़ते हैं। ओके, उनकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को जोड़ रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं फाइनल वैल्यू को ही तो जोड़ूंगा। ओके, एक आंसर इसका यह बना। इसके अलावा और क्या आंसर बन सकता है? यार, जब मैं वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहा हूं, उस नेशनल इनकम का प्रोसेस चल रहा है, तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं वैल्यू एडेड का, इट गिव्स मी, इट प्रोवाइड्स मी व्हाट? ये वैल्यू एडेड क्या होती है? ये होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, एट एमपी एम मार्केट, सो इट विल बी मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, इवन आप इसको ग्रॉस वैल्यू भी कह सकते हो, आप इसको ग्रॉस फाइनल वैल्यू भी कह सकते हो। तो कोई भी आंसर आपको बस क्वेश्चन में जो कंटेंट है उसको लिंक करना आना चाहिए। सबसे सीधी सी बात यहां पर ये तो क्लियर हो ही गई
कि अगर वो नेशनल इनकम एस्टिमेशन की बात कर रहा है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें जोड़ी जाती है फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू सबसे पहली हो गई, क्लियर। उसके बाद आप अगर देखें तो स्टार्टिंग में यहां पर आपने जोड़ा तो जो आपका जीवी या टेम्पी निकलता है तो मार्केट वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू, ओके, बट द बेस्ट इज फाइनल वैल्यू, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जब हम यहां पर जोड़ते हैं तो वो मार्केट वैल्यू ही है, ग्रॉस वैल्यू ही है, उसमें आगे चल के डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करा जाता है, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्ली स्टेज में आपकी ग्रॉस वैल्यू होती है, बट द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज फाइनल वैल्यू, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। सर ये तो हमें पता है, ये तो ईजी कंटेंट है। हाँ जी, डेफिनेटली आपको पता होगा, यहां पर दोस्तों प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जब हम निकालते हैं आपका नेशनल सॉरी इनकम मेथड से जीडीपी टेम्पी के टाइम पे या एनडीपी टेफसी के टाइम पे, सो वी नो के प्रॉफिट के हमारे तीन पार्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट के तीन पार्ट हो जाते हैं मेन। द वेरी फर्स्ट इज कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ओके। सेकेंड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, द सेकेंड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एंड द लास्ट इज डिविडेंड, एंड द लास्ट इज डिविडेंड, ओके। ये तीन पॉइंट हमारे सामने आते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड। तो सर हमारा आंसर हुआ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, ओके, क्योंकि प्रॉफिट यहां पर आता है। नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा है, यहां पर हमसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूछा गया है, ओके, राइट। अब ये सर ये कैसे हुआ, दोस्तों देखिए प्रॉफिट में से टैक्स अगर आप इसको साइड कर देते हो, सो दिस कंटेंट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसीलिए आपका आंसर द कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एंड डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड ये आएगा। आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को लिखने से अवॉइड करेंगे, ये चीज नहीं लिखी जाएगी, ओके। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्लैरिफिकेशन जरूरी है। सेवेंथ क्वेश्चन पर आते हैं, डैश इज इंटरमीडिएट गुड, इनमें से ये ऑप्शन दे दिया आपको एमसीक्यू, केबीसी आपके साथ खेल रहे हैं, मशीन है, कार है, मोबाइल है, शुगर कैन इन शुगर मिल है, इसमें से कौन सा आपका इंटरमीडिएट गुड है। आई नो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली राइट गेस करा है, दैट इज शुगर कैन इन शुगर मिल, जो फर्दर कंजम्पशन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। यहां पर हालांकि कोई भी मशीन है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, कार एक फाइनल गुड है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तो फाइनल हो गए। मोबाइल जो होते हैं दोस्तों, हमने जो मोबाइल खरीदा, ठीक है, वो फाइनल गुड है, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ऑब्वियसली आपका ये जो है आपका फाइनल गुड होगा। लेकिन मोबाइल अगर एक मोबाइल डीलर खरीदता है आगे बेचने के लिए, तो दैट इज फॉर रीसेल, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। तो सर क्या यहां पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो सकती कि मोबाइल अब लिखा तो नहीं है तो उसको क्या एज्यूम करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन शुगर कैन इन शुगर मिल, तो ऑब्वियसली यहां पे पता चल रहा है कि जो शुगर कैन है वो शुगर मिल में जा रहा है, प्रोडक्शन के लिए आपका वहां पे यूज होगा और फिर उसके बाद उसका चीनी बनकर उसको सेल करा जाएगा। तो यहां पे स्पेशली क्लैरिफाई हो रहा है कि ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए शुगर कैन का इस्तेमाल होगा। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन होते मशीन, कार, मोबाइल, शुगर कैन, ये नहीं लिखा होता इन शुगर मिल, तो हमारा क्या आंसर होता दोस्तों। उस केस में भी शुगर कैन ही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मोबाइल जो है वो दोनों पर्पस आ गए। देखो मशीन और कार का तो बिल्कुल सिंपल है, आपका फाइनल गुड के चांसेस उनके ज्यादा हैं, वो भी इंटरमीडिएट होते हैं पर चांसेस उनके ज्यादा वही हैं। मोबाइल जो एग्जांपल हमने लिया डिस्कस किया वो हो सकता है। अब शुगर कैन जो है यार, शुगर कैन अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए कौन, मतलब देखा जाए तो इक्का दुक्का कोई लोग शौकिया तौर पर उसका कंजम्पशन करते हैं, अदरवाइज शुगर कैन का इस्तेमाल फर्दर आगे प्रोडक्शन करने के लिए, उससे चीनी बनाई जाती है या गुड़ बनाया जाता है, लिकर के में उसका इस्तेमाल होता है, तो ऑब्वियसली वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए उस केस में भी
इंटरमीडिएट गुड जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा. ओके, सेवंथ क्वेश्चन डन. एनडीपी एक्सीड्स एनएनपी, जो एनडीपी है वो आपका एनएनपी से एक्सीड हो जाएगा. तो वही लिंक हमें क्रिएट करना है जो हमने यहां पर लिखा कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनडीपी एनएनपी. एनपी पहले वाले बाद वाले जो है वो बिल्कुल सेम है, बीच में ये डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने की बात कर रहे हैं. तो मेरे को मालूम है कि एनडीपी डोमेस्टिक में जब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देता हूं, इट विल गिव्स मी आपका क्या एनएनपी. ऑब्वियसली ये कह रहा है कि ये 100 है और ये 90 है, ठीक है. एनडीपी एक्सीड कर रहा है एनएनपी एटएमपी को. तो ये कब पॉसिबल है, जब ऑब्वियसली 100 माइनस और ये उधर जाकर माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो इन शॉर्ट, व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में आता है और व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दोनों ही आंसर बेटर है. सिंप्लीफाइड वे में यही है, सीधा सीधा बोलेंगे कि व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इन नेगेटिव या इज इन माइनस वैल्यू, तो आपका एनडीपी डोमेस्टिक वैल्यू नेशनल से ज्यादा होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन. जीडीपी टेम्पी डैश प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज. ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है मतलब सोच के कर रहे हो या जल्दी जल्दी कर रहे हो, वट एवर आपकी ये स्किल है, उस पर कोई क्वेश्चन हम नहीं उठा सकते. लेकिन अगर सिंप्लीफाइड वे में करें फटाफट से, तो इसको हमें पता है आईटी माइनस सब्सिडीज. ओके, आईटी माइनस सब्सिडीज वी नो इट इज एनआईटी, राइट. ये प्लस हो रहा है, इसको इधर ले आओ. तो जीडीपी एट एमपी में से जब मैं एनआईटी माइनस कर दूंगा, तो डेफिनेटली एमपी और एफसी का रिलेशन होता है. सो इट विल बी कन्वर्टेड टू जीडीपी एट एफसी. इट इज जीडीपी एट एफसी. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. सोचकर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. फॉर्मूले वाइज कर रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा, जो तरीका आपको ठीक लगे. क्वेश्चन सही हमारा होना, मतलब आंसर हमारा सही होना चाहिए, मार्क्स हमें पूरे मिलना चाहिए. ओके ओके, नाइन्थ हमारा हुआ. टेंथ पर आते हैं. नॉमिनल जीएनपी इज सेम एज डैश वैल्यू. नॉमिनल जीएनपी क्या होता है? नॉमिनल हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला लिखा है यहां पे, ये जीडीपी का था, ये जीएनपी है, बोथ आर सेम नहीं, मतलब उसमें टर्म्स अलग अलग हो गई, बट कंसेप्ट जो है वो सेम है. नॉमिनल का मतलब क्या होता है? विच आर कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस. ओके, रियल का मतलब होता है ऑन द बेस ईयर प्राइसेस. तो क्या ऑप्शन क्या हमारे सामने? जीएनपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, तो कॉन्स्टेंट तो बेस ईयर होता है, तो यहां पे मजा नहीं आया. ओके, रियल जीएनपी, ऑब्वियसली नॉमिनल और रियल आपका सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं. जीएनपी एट करंट प्राइसेस, ओहो पता नहीं, ये हो सकता है, ठीक है, वैसे है तो यही, बट आगे पढ़ लेते हैं ना एक बारी. जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनका कोई लिंक नहीं है, सो ऑब्वियसली सी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज 11th. व्हाट आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज? ये वर्ड अगर आपने पहले नहीं सुना, तो सिंपल सा मतलब इसका होता है, दे आर एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? ये एक क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर भी नेशनल इनकम से बन सकता है. जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल जीडीपी या जीडीपी व्हाटएवर या रियल जीएनपी, कुछ भी टर्म्स चेंज करके, आर द इंडिकेटर ऑफ या इज द इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, तो उसका आंसर हमें देना होता है. ऑब्वियसली उसका आंसर नो है, कि जो रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, उसकी ग्रोथ है, वो आपका सोशल, वो जीडीपी ग्रोथ को बताते हैं, वो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ को बताते हैं, लेकिन उससे वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं बताते. रीजन बीइंग, उसके अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो इंक्लूड नहीं करी जाती है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लोगों के बीच में सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस वो नहीं नोट करे जाते. एंड द सबसे मेन चीज जो लास्ट पॉइंट आता है, दैट इज एक्सटर्नलिटीज. एक्सटर्नलिटीज दोस्तों क्या होता है, आपको मालूम होगा डेफिनेटली, डिस्कस कर लेते हैं. एक्सटर्नलिटीज क्या होता है कि जीडीपी क्रिएट करने के दौरान, जीडीपी के प्रोसेस के दौरान, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में, तो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज उनके साथ साथ क्रिएट होती हैं जो इकोनॉमी को बेटर बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, पिछले साल आपकी फैक्ट्री में 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था, इस साल वो प्रोडक्शन बढ़कर 2500 पहुंच गया है.
तो 500 की आपकी आपकी फैक्ट्री ने ग्रोथ करी, वो आपने ग्रोथ करी मतलब आपकी कंट्री ने ग्रोथ करी, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो कंट्री के जीडीपी में जुड़ेगी, अच्छा इंडिकेटर है ओके। बट उन 500 यूनिट्स को बनाने के लिए, एक्स्ट्रा बनाने के लिए जो रिसोर्सेज लगे हैं, आपकी फैक्ट्री से जो हीट जनरेट हुई है, जो आपका पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है, उससे एनवायरमेंट पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। जो एक तरह से वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो गार्बेज प्रोड्यूस हुआ है, वो पानी में मिलकर उसको गंदा करेगा ओके। अब ये सारे फैक्टर तो कहीं काउंट नहीं हुए ना, बट ऑब्वियसली इसका हार्म हमारी इकोनॉमी पे और सॉरी हमारे एनवायरमेंट पे पड़ा है ओके। सो दैट फैक्टर इज नोन एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। पॉजिटिव भी होते हैं, जैसे मान लीजिए एक 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 बेकार जमीन थी, खाली धूल वगैरह वहां पे उड़ती थी सोसाइटी के सामने, वहां पर क्या करा कि वहां की जो गवर्नमेंट है या वहां पे जो कॉरपोरेशन है, उसने वहां पे एक बड़ा अच्छा पार्क बना दिया, उस पर आपका जो मशीन्स एक्सरसाइज की वो लगवा दी, पेड़ लगा दिए, एक रनिंग ट्रैक बना दिया, एक अच्छा पार्क बना दिया। उसको बनाने में टोटल खर्चा मान लीजिए 50 लाख आया, तो इंजीनियर्स को, लेबर्स को उनकी वेजेस सैलरी पे करी गई, दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वो जुड़ जाएगा। लेकिन वहां पर फिर लोग अपना एक्सरसाइज करने आएंगे, वहां पे जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा अच्छा होगा, पेड़ वगैरह लगने से पॉल्यूशन अपना कम होगा, वो जो पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ये नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी ओके। सो दीज कंसेप्ट जो जीडीपी जनरेशन के साथ होते हैं, दे आर नॉन मार्केट, उनको हम काउंट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मार्केट, बट वो हमारे फैक्ट कई बहुत सारे फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दीज एक्टिविटीज, इनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती, ऑब्वियसली नोन एज व्हाट, आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज ओके। तो होप आपको ये क्वेश्चंस के करने का कुछ पैटर्न समझ आया होगा, मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी डाले हैं नेशनल इनकम के, आई होप आप उसको कवर करेंगे। उसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपके सामने आता है, डेफिनेटली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे दूसरे चैप्टर पर, होप इट विल बी मनी बैंकिंग और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, मिलते हैं उसकी क्लास में, प्लीज टेक केयर, थैंक्स।